एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन। जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है तो नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे इसका कॉन्सेप्ट एंड कल की क्लास में करेंगे इसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इससे पहले हमने किया था कि जब न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती क्वेश्चन में, ओनली ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होती है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर हम न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, दो पार्टनर्स हैं बेटा जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इन्होंने क्या किया, सी को एडमिट किया फॉर 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो सी है वो 1,00,000 रुपए तो किसके लेके आया है, अपनी गुडविल के लिए, सॉरी अपनी कैपिटल लेकर आया है। 1,00,000 क्या लेकर आया है, कैपिटल लेकर आया है, एंड 40,000 क्या लेकर आया है, गुडविल का शेयर लेकर आया है, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीजें गिवन है। अब आपको क्या करना है, सबसे आप पहले क्या निकालेंगे, न्यू PSR फाइंड करेंगे, ठीक है। इससे हमारे ओल्ड कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, न्यू PSR निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। सी कितने शेयर के लिए आया है बेटा, सी लेकर आया है 1/6 शेयर, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा हमारा, रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 - 1/6 = 5/6 हमारा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में जो हम कर रहे हैं इसमें कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए ए ने इतना अपने इसी का सी के लिए सैक्रिफाइस किया है, बी ने इतना सैक्रिफाइस किया। सिंपल क्वेश्चन है, सी की 1:1 गिवन है, ए एंड बी के ओल्ड रेशियो गिवन है, तो रिमेनिंग करके हम क्या निकालेंगे, न्यू PSR फाइंड कर लेंगे। तो ए की न्यू रेशियो क्या हो जाएगी हमारी, 5/6। अब ये हमारा रिमेनिंग रह गया, अब रिमेनिंग इसको कौन कौन लेगा, ए एंड बी जो ओल्ड पार्टनर्स है वो लेंगे। ए का क्या है बेटा, 3/5 × 5/6 = बी का लिख लेते हैं साथ के साथ 2/5 × 5/6 = 15/30 10/30। एंड सी कितने के लिए आया बेटा, 1/6 के लिए, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5/30। अब 30 30 30 यानी कि रेशियो क्या आ जाएगी, 15 10 5, इसको और कट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3:2:1। क्या रेशियो आ गई हमारी, 3:2:1। अब सी के माइंड में क्या ख्याल आया, देखिए अब यहाँ पर हमारी जो ए की कैपिटल है, सबसे पहले कैपिटल लिख लेते हैं। ए की कैपिटल है बेटा 2,40,000 एंड बी की कैपिटल है 1,20,000, ठीक है, नहीं इसके 2,20,000 कितनी है, 2,20,000, ए की है 2,40,000, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ कि जो सी है, सी सोच रहा है कि मेरा शेयर है 1 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है बेटा, 1,00,000 कैपिटल लेकर आ रहा है। तो अब सी सोच रहा है कि जो हमारा ए एंड बी है इनकी 3:2 है, जब मैं 1 शेयर के लिए 1,00,000 रुपीज लेकर आ रहा हूँ तो बी को कितने लानी चाहिए बेटा, 2,00,000 रुपीज होनी चाहिए, एंड सी की कितने होनी चाहिए, 3,00,000 होनी चाहिए, ठीक है। किसके माइंड में आई ये बातें, सी के माइंड में आई। तो सी कहेगा देखिए जब आपने मुझे 1 शेयर के लिए 1,00,000 रुपीज आपने मुझसे कैपिटल के मंगवाए, तो हमारे न्यू PSR के अकॉर्डिंग आपके ए आपके 3,00,000 रुपीज होने चाहिए, बी एंड आपके 2,00,000 रुपीज होने चाहिए, ठीक है। कौन कहता है ये, सी बोलता है ए एंड बी को। अब ए एंड बी कहते हैं ठीक है भाई, हमारा शेयर होना चाहिए 3,00,000 एंड 2,00,000 जैसा कि आप बोल रहे हैं, ये हमारा शेयर होना चाहिए, लेकिन आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट ये होना चाहिए, आप अभी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आए, हमें उसका हिस्सा दीजिए, हमारे जितने भी ओल्ड रिजर्व्स हैं उनके हमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करने दीजिए। यानी कि हमें क्या निकालना है बेटा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जैसे हम बैलेंस शीट में बैलेंस कैरिड डाउन जो लिखते हैं ना, हमें वो निकालना पड़ता है किसका, ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है। वो क्या होता है हमारा बैलेंस कार्ड कैरिड डाउन आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स। अब सबसे पहले यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले हमारे यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कि जो सी लेकर आया है वो क्या लेकर आया है बेटा, एंट्री कर रहे हैं हम कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कैपिटल के लेकर आया 1,00,000 रुपीज, 40,000 लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल के, टोटल 1,40,000 रुपीज कौन लेकर आया है, हमारा सी लेकर आया है। इसे नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, हमारे प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है,
तो ओल्ड रेशियो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड टू बी, ठीक है। 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा किस रेशियो में, 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि यही हमारी क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ए का शेयर 40,000 3/5, 5/8 = 24,000 एंड 16,000, 24,000 एंड 16,000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि यदि आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम जब कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें क्यों एडजस्टमेंट करनी पड़ती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, जब नया पार्टनर नहीं अपनी कैपिटल लेकर आता है तो ये कंडीशन उनके सामने आती है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यानी कि आप हमें क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले बेटा हमें क्या गिवन है, सबसे पहले तो हमें गिवन है एग्जिस्टिंग कैपिटल, सॉरी कैपिटल लिखेंगे ए एंड बी। ए की कैपिटल दे रखी है बेटा 2,40,000 एंड बी की है 2,20,000, ठीक है, ये कैपिटल गिवन है। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको कितना मिला है 24,000 मिला है एंड इसको कितना मिला है 16,000 मिला है। अब यदि बेटा कोई बैलेंस शीट में आपका रिजर्व होता है तो आप वो भी ऐड करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो वो ऐड करेंगे, रिवैल्यूएशन का लॉस है तो उसको माइनस कर देंगे। तो ये सारी आपको एडजस्टमेंट करनी है, यानी कि जो आपका बैलेंस कैरेट डाउन होगा वो क्या होगा, आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट आपका होगा। अब आप इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,62,64,000 एंड इसका हो जाएगा 6,02,36,000, ठीक है। अब इनकी इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, सी ने बोला इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे सी की कैपिटल के बेस पर बेटा फॉर्म की कैपिटल फाइंड करेंगे, ठीक है। अब सी की कैपिटल कितनी है, ये आपकी सारी चीजें वर्किंग नोट में आपको करनी है, सी की कैपिटल कितनी है, सी लेकर आया 1/6 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेकर आया, 1,00,000 कैपिटल लेकर आया, ठीक है। अब इसके रेशियो का यदि हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो फर्म्स की कैपिटल आ जाएगी, फर्म की कैपिटल कितनी है टोटल, तो फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी 6/1, 1 नीचे हम लिखते नहीं है तो 6,00,000 क्या हो जाएगी, पूरी फर्म की कैपिटल होके जाएगी, ठीक है। अब ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ए की कैपिटल होनी चाहिए फर्म की कितनी है 6,00,000, इसकी रेशियो क्या है, अब किस रेशियो में लेंगे बेटा, जो हमने न्यू पीएसआर निकाली ना 3:2:1, इस रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो 3,00,000 होनी चाहिए बेटा हमारी ए की कैपिटल एंड बी की कैपिटल भी इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे, बी की कैपिटल होनी चाहिए 2/6 रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी कि 2,00,000 इसकी कैपिटल होनी चाहिए बी की एंड सी तो लेकर ही आया कितनी 1,00,000। अब इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये तो हमारी होगी एग्जिस्टिंग कैपिटल होगी एंड कैपिटल शुड बी, एंड कैपिटल शुड बी कितनी कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए 3,00,000 इसकी होनी चाहिए एंड 2,00,000 इसकी होनी चाहिए। अब देखो बेटा जो ए की कैपिटल है, ए की कैपिटल है कम, तो सी कहेगा ए भाई साहब आपकी कैपिटल कम है, तो आपकी जितनी कैपिटल कम है आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी कैपिटल लेके आनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कौन लेकर आएगा, ए लेकर आएगा, 3,00,000 होनी चाहिए थी लेकिन कितनी है 2,64,000 है, यानी कि 36,000 उसकी कम है, तो 36,000 कौन लेकर आएगा, 36,000 लेकर आएगा ए एंड विड्रॉल, फिर करेंगे हम विड्रॉल, विड्रॉल कौन करेगा भाई, देखिए अब बी की होनी चाहिए थी 2,00,000 होनी चाहिए थी लेकिन बी की कितनी है 2,36,000 है, तो बी क्या करेगा 36,000 विड्रॉल कर लेगा, ठीक है। तो इसकी हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए एंट्री क्या होगी, जब हमारा ए कैपिटल लेकर आएगा, एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा, तो ए की कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, टू ए इज कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल इंक्रीज हो गया कितने से 36,000 एंड 36,000। अब सेकंड एंट्री करेंगे विड्रॉल की, यदि बी की कैपिटल 2,36,000 थी, बी ने 36 विड्रॉल कर लिए, कैपिटल क्या हो रही है बेटा कम हो रही है, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा डेबिट हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कितनी अमाउंट से 36,000 एंड 36,000,
तो ये सारा हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है जब हमारी कैपिटल की एडजस्टमेंट हम करते हैं, किस बेस पर, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो ये सारा हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ये हम क्यों करते हैं, अब तक तो हमने नहीं किया, ये हमारे बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि नया जो पार्टनर है उसकी कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है। ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, तभी आपको ये सारी चीजें करनी है। कल की क्लास में इसके रिगार्डिंग हम करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।